नमस्कार, लता बावर्ची में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पके हुए केले के पकोड़े, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। और आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा पकोड़ा बन के तैयार हुआ है और बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तो आइए हम पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और उसे गैस पर रख देंगे और उसमें पानी डाल देंगे और पानी को उबलने देंगे। और आप देख ही सकते हैं कि पानी कितनी अच्छी तरीके से उबल रहा है। और जब पानी उबलने लगे तो आप उस पर एक ऐसा बर्तन रख दीजिए ताकि उस पर जो उसका भाप नीचे से हो, वो जब भी हम उसमें केले डालें तो उसमें अच्छी तरीके से वो लगे। तो क्योंकि मुझे भाप पे ही इसे केले को बॉयल करना है, तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने केले के आगे और पीछे का हल्का हल्का काट दिया और इसे मैंने उस बर्तन में रख दिया। ऊपर से आप एक इसे ढक दें और 2 से 3 मिनट के बाद आप इसे देख लें कि ये हल्का सा पका है या नहीं। तो अभी तो बिल्कुल ही नहीं पका है, तो इसे हम पलट देंगे। पलट कर इसे हम फिर 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि केला जो है सो बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाए। क्योंकि केले तो पके हुए हैं ही, लेकिन इसे तो भाप में मुझे बॉयल करना है, तो उस तरीके से हम कर लेंगे। और जब 4 से 5 मिनट हो गए तो आप देख ही सकते हैं कि केला बहुत ही अच्छी तरीके से बॉयल हो गया है। और आप देख ही सकते हैं जब उसे छू रहे हैं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे छील लेंगे। तो ये अब थोड़ा ठंडा हो गया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत ही गर्म है। अब इसे छू रहे हैं तो बहुत ही गर्म लग रहा है। तो चलिए हम फिर भी इसे छीलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि केला तो बहुत ही अभी गर्म है, ताकि हाथ पे हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसे फिर भी हम छीलने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब हम केले को छील लेते हैं और देख सकते हैं कि आप केला का छिलका बहुत ही आसानी तरीके से उतर रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा हल्का गर्म है इसलिए हाथ पे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो हम इसे एक बॉल में रख करके इसे छील रहे हैं। और जब तक हम केले को छीलते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप इस पके केले के पकोड़े को अगर एक बार बनाकर खा लिया तो आपको बार बार खाने का मन करेगा, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और हमने बनाकर खाए हैं तो घर पे सबको बहुत ही पसंद आए हैं और बहुत ही अच्छा बना है। और आप देख ही सकते हैं कि केला जो है वो छिल चुका है। अब हम इसे धीरे धीरे मैश कर लेते हैं। तो थोड़ा गर्म है तो हम इसे चम्मच की सहायता से इसे मैश कर लेंगे हल्का हल्का। तो ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से सबसे पहले हमने इसको कट कर लिया है और इसे मैंने मैश कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और हमने 1 प्याज को बारीक काट लिए हैं और उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और इसमें फिर हम 2 से 3 चम्मच बेसन डालेंगे, क्योंकि जब तक हम बेसन डालेंगे नहीं तब तक ये केला जो है सो बिना बेसन का तो बनेगा नहीं। और हमने 3 चम्मच बेसन डाले और 1 चम्मच हमने मैदा इसमें डाल दिए हैं। मैदा डालने के बाद इसमें हमने 1 चुटकी हींग, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिए हैं और 1/2 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाले हैं और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दें, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल दें, हमने भुना हुआ जीरा पाउडर लिए हैं, और 1/2 चम्मच हम एक छोटी 1/2 चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे और स्वाद के अनुसार आप नमक डाल दें। और नमक डालकर आप इसे अच्छी तरीके से मिलाएं। पहले तो हम इसे चम्मच से मिला लेते हैं, उसके बाद हम इसे हाथ से मिलाएंगे। और आप देख ही सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये बन के बिल्कुल ही गूंद के तैयार हो गया है पकौड़ा बनने के लिए। तो चलिए इसे हम कुछ देर के लिए ढक कर के छोड़ देते हैं। और जब तक ये सेट होता है तब तक हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई को गैस पर रख देंगे। जब कढ़ाई अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो आप उसमें तेल डाल दें और तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने दें। जब आपका तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब आप उसे मीडियम हाई फ्लेम पर रखें। और हम जो पकोड़े लेंगे उसके लिए या तो आप पानी में हाथ भिगो लें या तो आप तेल लगा करके उसे कर लें ताकि हाथ में ज़्यादा चिपकेगा नहीं। और इस तरीके से छोटी छोटी लोई लें और उसे
तेल में डाल दें, क्योंकि तेल बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो गया था। आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से उबाल आ रहा है, और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो जब नीचे की ओर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो आप इसे पलटते हैं, और पलटने के बाद इसे हम गोल्डन, जब तक ब्राउन ना हो जाए तब तक आप इसे ना निकालें, और इसे मीडियम हाई फ्लेम पर ही रखें। और आप देख ही सकते हैं कि कलर कितना खूबसूरत आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है, और बहुत ही बढ़िया देख जी सकते, देखने में ही लग रहा है बहुत बढ़िया पकौड़ा बन करके तैयार हुआ है। और इसी तरीके से हम, तो आप देख सकते हैं पकौड़ा बिल्कुल ही बन के तैयार हो गया है। अब जो बचा हुआ है उसे भी हम इसमें कढ़ाई में डाल देंगे, छोटी छोटी लोई लें उसी तरीके से, और कढ़ाई में उसे डाल दें, और इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेकेंगे। और सेकने के बाद जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए आप इसे ना निकालें, क्योंकि जब तक ये अच्छी तरीके से सेकेगा नहीं तब तक ये अंदर आपको टेस्ट नहीं अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये भी पकौड़ा बिल्कुल ही तल गया है, और अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। और निकाल कर आप ये देख सकते हैं बिल्कुल पकौड़ा जो है सो खाने के लिए तैयार है, और बहुत ही पकौड़ा अच्छा बन के तैयार हुआ है। आप इसे टोमेटो सॉस या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा बना है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और एक बार ज़रूर बनाकर खाएं, ट्राई करें कि आपका पकोड़ा कैसा बना है। मेरा पकोड़ा तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट बना है, घर में सबको बहुत ही पसंद आया है। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।